ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଗତ 24 ତାରିଖ ଦିନ କୁଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମଟି ପାହାଡ଼ ଧସି 20 ଗୋଟି ଘର ଏବଂ 150ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଈ ଛେଳିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଖବର ପାଇ ସେ ଗତକାଲି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ 8 ବର୍ଷର ଭାରତୀୟ ଜଳବାୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲୁସିପ୍ରିୟା କଙ୍ଗୁଜମ୍ ଗତକାଲି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁମା ବ୍ଲକ ବଡ଼ କଳାକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଲଗାତାର ବର୍ଷାରେ ପାହାଡ଼ ଧସି ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୁଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟରୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ 3 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତାରେ କୁଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ନେତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଜଳବାୟୁ ସଙ୍କଟ ରହିଛି। ବହୁ ପ୍ରାଣୀ ଲୋକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅନାଥ ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଛି ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ସହ କୁଲଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିପରି ହେଉଛି, ତାହା କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପାହାଡ଼ରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନତା ଏବଂ ସୂଚନା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। आप देख सकते हो, पहले तो इस गांव पे ऐसे नहीं होते थे ना, और घर ऐसे बर्बाद भी होते थे। आपको ऐसे आपको ना डर के सामना करना चाहिए, कभी कभी भी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ऐसे ऐसे तब होते थे ऐसे डिजास्टर, मतलब वहां पे घर बर्बाद हुए है ना आप सबके। पहले तो आप पेट काटते थे, आप पेट थोड़े थोड़े दिख रहे हैं ना, पहले तो आप पेट काटते थे। पेट कभी भी नहीं काटना चाहिए, वही एक है। पेट जब नहीं होंगे तो हम एयर को हम ब्रीथ नहीं, हम सांस नहीं ले पाएंगे कभी भी। ऐसे लैंडस्लाइड आ रहा है ना पेट काटने की वजह से, और आप प्लास्टिक वगैरह वो सब फेंक रहे हो ना, आप देख सकते हो अभी यहाँ पे फैला हुआ है। आप ऐसे फेंक रहे हो ना, ये सब गंदी बात है, आपको डस्टबिन में फेंकना चाहिए। ऐसा ही होता रहा तो ऐसे ही डिजास्टर होते रहेंगे, ऐसे लैंडस्लाइड होते रहेंगे और सबके घर बर्बाद होते जाएंगे। आपको अपने बच्चे और घरों की बहुत चिंतित हो ना, इसलिए मैं आप सबके लिए मैं बोल रही हूँ कि आप वैसा मत करो, आप वैसा कभी भी मत करना, तो आप अपनी जिंदगी आप गुजार सको, आप रह सकते हो अच्छे से। जब आप जो साथ मिलकर आप जब काम करोगे तो आपका मेहनत का फल सबसे मीठा ही होता है। जब अपना मेहनत दिखाओगे तो वैसे ही आप रह पाओगे इस दुनिया पे। आपको इस गांव पे रहना है ना, ना कि किसी और गांव पे रहना है, इसलिए आपको वैसा कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है।
ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି କାହିଁକି ଭୂସ୍ଖଳନ ହେଲା ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ କିପରି ମୁକାବିଲା କରାଯାଇପାରିବ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟକୁ ନେଇ ସେ କାନ୍ଦି ପକାଇଛନ୍ତି। ପୀଡ଼ିତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଓ ରୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପିତା ଡକ୍ଟର କେକେ ସିଂ, ଜି ତିରୁପତି ରାଓ, ଜି ବିଜୟ କୁମାର, ଏ ବାସୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ହିମାଂଶୁ ଲିମ୍ମା, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଭୂୟାଁ, ସରପଞ୍ଚ ଅଗଷ୍ଟିସ ଗମାଙ୍ଗ, ପୂର୍ବତନ ଗୁମା ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବେର୍ନିଂ ଗମାଙ୍ଗ ପ୍ରମୁଖ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। मेरा नाम है सुप्रिया और मैं 8 साल की हूँ और मैं इंडिया से हूँ और मैं एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट गर्ल हूँ और मैं फाउंडर ऑफ द चाइल्ड मूवमेंट। मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ वर्ल्ड लीडर्स की ये ना, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट एमरजेंसी है और मैं अभी खाना बांटूंगी और ब्लैंकेट वो सब वो उन्हें चाहिए उन इंसान को, वो उनकी वो उनका घर बर्बाद हो चुका है। हम उनके लिए सब कुछ करेंगे और फिर से वापस आके उनकी मदद करने आएंगे। ये नहीं कहना चाहती हूँ कि सरकार कुछ नहीं करे, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि सरकार उन लोगों की मदद करना चाहिए। उनके पास खाना पीने या कपड़े या उनके पास घर नहीं हो, गवर्नमेंट को उन वाले की मदद करना। गजपति लोकनाथ मन्ना को रिपोर्ट, हाई वाई न्यूज़।